रणवीर सिंह कटार की रिपोर्ट के अनुसार राजीविका कर्मचारियों ने विधायक प्रत्याशी मनीष मेवाड़ा का माला पहनाकर और साफा बंधवाकर आभार व्यक्त किया। एनआरएलएम कार्मिकों ने माधव हेरिटेज आसिन पहुंचकर कांग्रेस पार्टी के विधायक प्रत्याशी मनीष मेवाड़ा का आभार व्यक्त किया। अरविंद मेघवंशी ने जानकारी देते हुए बताया कि राजीविका कर्मचारियों के द्वारा सभी कार्मिकों का नियमितीकरण करने एवं एकमुश्त 10% वेतन वृद्धि करने, टीडीएस की कटौती के बजाय पीएफ एसआई कटौती लागू करने, एरिया कोऑर्डिनेटर को सीधे राजीविका से अनुबंधित करने, वेतन में महंगाई भत्ता बढ़ाने तथा राजीविका कर्मियों को गृह जिले और पास के जिले में लगाने तथा आरपीआरपी को रिलीव न करके अनुभव के आधार पर परियोजना हित में एरिया को कोऑर्डिनेटर के रूप में सेवाएं ली जाए। समस्त मांगों को राज्य सरकार के द्वारा मान लिया गया, जिसके तहत राजीविका कर्मचारियों ने मनीष मेवाड़ा का आभार व्यक्त किया। प्रदेश प्रवक्ता भरत बारेट ने बताया कि 8 सूत्री मांगों को लेकर 19 मार्च से कार्य का बहिष्कार कर जयपुर में हड़ताल पर बैठे हुए थे। वहीं इस दौरान मनीष मेवाड़ा ने धरना स्थल पर पहुंचकर मांगों को जल्द मनवाने की बात कही और उसके बाद मेवाड़ा ने मुख्यमंत्री के नाम पत्र प्रेषित कर विभाग द्वारा 2 दिवस के अंतर्गत मांगों पर सहमति बन पाई तो कार्मिकों ने आसिंद पहुंचकर मनीष मेवाड़ा को माला और साफा पहनाकर आभार व्यक्त किया। इस अवसर पर ब्लॉक कोऑर्डिनेटर प्रोजेक्ट एसोसिएशन अरविंद मेघवंशी, भरत बारेट, माधव सालवी, मुकेश कुमार, मीना लोहार, धनराज वर्मा, पप्पू राम आदि उपस्थित रहे। जो यहाँ पर विधायक प्रत्याशी मनीष मेवाड़ा का आभार व्यक्त किया गया उसके बारे में बताएं। नमस्कार, मैं भरत कुमार, एनआरएलएम कार्मिक संघ प्रदेश प्रवक्ता। आज हम लोगों ने यह मिलकर के भाई साहब मनीष जी मेवाड़ा का आभार व्यक्त किया। हमारे जो एनआरएलएम कार्मिक संघ है, यूनियन पूरी 19 मार्च से कार्य बहिष्कार पर थी। जयपुर हम लोग हड़ताल पर थे, साहब से अनुरोध किया और साहब हमारे बीच में वहाँ पहुँच करके हम सब लोगों को आश्वासन भी दिया कि मैं बहुत जल्द आप लोगों की मांगे मनवाऊँगा। और साहब ने हमारे बीच में आकर के हमारे सामने ही लेटर टाइप करवा करके मुख्यमंत्री जी के नाम लेटर लिखा और साहब ने 2 दिन के अंदर सहमति प्रदान करा के जो विभाग और हमारे बीच में जो मांगे थी उनको टेबल टॉक के माध्यम से निवारण करवाया गया। और 10 जो हमारी 8 सूत्री मांगी थी वो 8 सूत्री मांगे पूरी कंप्लीट हो पाई है। इस खुशी को लेकर के हम जब वहाँ से यहाँ पहुँचे हैं तो आते ही हमने साहब को हाथ साफा और माला पहना करके इनका आभार व्यक्त किया। भरत बारेट आज जो एनआरएलएम है, राजस्थान ग्रामीण आजीविका विकास परिषद राजस्थान में कार्यरत जो संगठन है, उसके माध्यम से मनीष जी मेवाड़ा साहब का स्वागत किया गया। क्योंकि अभी हम लोग हड़ताल पे चल रहे थे, हमारी कुछ उचित मांगे थी, उस मांगों को लेकर हम जयपुर में धरना प्रदर्शन कर रहे थे। तो साहब के द्वारा भी हमने ज्ञापन लगवाया और विभिन्न विधायकों के द्वारा हमने सीएम साहब तक हमारा मैसेज भेजा और हमारी जो मांगे हैं उस पर उचित कार्रवाई सरकार के द्वारा की गई। इस संबंध में हमने आज मनीष जी मेवाड़ा साहब का साफा और माला पहनाकर स्वागत किया संगठन की तरफ से। नाम अरविंद मेघवंशी, प्रोजेक्ट एसोसिएट एमआईएस मैनेजर, राजस्थान ग्रामीण आजीविका विकास परिषद आसिंद।